रांची आई है। मैंने सबमिट कर दिया है, आप लोगों को भी दिखाया है, मैंने लाइन में बैठ के दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे मैं इंसाफ चाहती हूँ। मॉडल मानवी राज ने अपनी जान को खतरा बताया है और ये खतरा किसी और से नहीं है, उसी व्यक्ति से है, उसी तनवीर से है जिस पर उन्होंने भरोसा किया और उस पर उन्होंने लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जान को उसी तनवीर से खतरा है। पिछले दो दिनों से मानवी राज का राजधानी रांची में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि 164 के तहत उनको अपना बयान दर्ज कराना है। आज जब वो मुंबई से राजधानी रांची पहुंची तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगी, कानूनी प्रक्रिया में वो शामिल होंगी, लेकिन उनकी जान को खतरा है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की घेरेबंदी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि जो भी वो आरोप लगा रही हैं, जो भी इल्जाम लगा रही हैं, उसके तमाम के तमाम एविडेंस उनके पास है, तमाम सबूत उनके पास है, जहां भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, उन तमाम साक्ष्यों को लेकर वो सामने आएंगी। बेहद कॉन्फिडेंस के साथ, बेहद आत्मविश्वास के साथ मानवी राज ने कहा, क्योंकि चूंकि सारी जो घटनाएं हैं वो राजधानी रांची में हुई है, लिहाजा रांची में ही उन तमाम चीजों को वो खुलासा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा और एतमाद है कि कानून से उनको इंसाफ मिलेगा। और क्या कुछ उन्होंने पत्रकारों से कहा है आप खुद सुनिए। कुछ तो बोलिए मानवी जी। अरे तो आप बोलने दीजिए ना, सब जगह बोलिए, बोलिए। इतना सच्चाई है आपके आरोपों में, कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। सारे एविडेंस मैंने दिखा दिए हैं, आप लोग अगर दिखाना चाहो तो सारी चीजें मैं दिखा चुकी हूँ। आप लोग जी, और क्या आपने आरोप लगाया और उनका क्या कहना है? जो भी प्रोसेस होगा ताकि जल्दी पुलिस उसको पकड़े। का कहना है कि साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर पाई है, अब करेंगे ना। सारी चीजें मैं दिखा चुकी हूँ, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ कि लाइव में भी बैठ के सारी चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स थी मेरे पास जिसमें उसने सॉरी वॉरी बोला है, वो सारी चीजें मैं दिखा चुकी हूँ। और अब आगे क्या करेंगी आप? मैडम, मैडम वो लोग जो भी कार्रवाई हो जल्दी करें और उसको जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि मुझे मेरे जान का खतरा है। हो गया ना, चलिए हो गया। क्या आपको धमकी भी दिया है उसने? आगे मैं इंसाफ चाहती हूँ। कैसे इंसाफ चाहती है? आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। मैं पुलिस से इंसाफ चाहती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दिला उसको पकड़ के। साक्ष्य आपने दिए हैं सर जी? क्या साक्ष्य मैंने सबमिट कर दिया है, आप लोगों को भी दिखाया है, मैंने लाइन में बैठ के दिखाया, आप देख सकते हैं। इतने वर्षों से कहा थी, इतने वर्षों से आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? इतने वर्षों के बाद आप आरोप लगा रही हैं मानवी जी? इतने वर्षों से क्यों नहीं आपने? रांची में आप क्यों नहीं आरोप लगाए? अच्छा, रांची में क्यों आई मानवी जी? रांची में आप आरोप क्यों नहीं लगा पाई? रांची में आने का प्रोसेस, रांची में आने का प्रोसेस बोल दीजिए, बोल रही बता दीजिए। रांची में सारी घटनाएं हुई तो रांची में आके यहाँ पे FIR हुई है, जिसकी वजह से यहाँ आके मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। पुलिस ने बुलाया आपको? पुलिस ने बुलाया? कब बुलाया आपने? अभी बुलाया कि आज मैं आई हूँ यहाँ। हम लोग आपको क्या, आपको जान को खतरे की लग रहा है? क्या खतरा? किसी प्रकार की धमकी दी गई है? तनवीर खान ने धमकी दी है? क्या कहा गया है? चोट न लगे। आराम से निकलिए।